स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर प्रश्न कुंडली के पांचवें भाग में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। अष्टक वर्ग की सीरीज को कंप्लीट करने के चक्कर में प्रश्न कुंडली की सीरीज थोड़ी सी रुक गई थी, तो उसे मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये पांचवा पार्ट है, इसके बाद जहां तक जितने पार्ट बन सकेंगे मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं जो समझने में आपको आसानी हो। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जो सीरियस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत काम के रहेंगे, उनके लिए ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने में उनको बहुत मदद मिलेगी। पांचवा पार्ट मैं सिर्फ इत्थसाल योग को दे रहा हूं, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इत्थसाल योग का बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। हालांकि आज के तेज युग में केपी होरारी का बहुत बोलबाला है, लेकिन आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसका भी एक अपना एक मजा है अलग। और यकीन जानिए, इत्थसाल योग आपको घटना कब घटेगी इसका इंडिकेशन आपको दे देता है। इत्थसाल योग सबसे पहले आपने समझना है कि ये है क्या। इत्थसाल योग उसे कहते हैं जब कोई धीमी गति का ग्रह सामने हो और पीछे उससे तेज गति से चलने वाला ग्रह पीछे हो। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा 10 डिग्री का है किसी राशि में और शनि देव 15 डिग्री के हैं, तो शनि देव आगे हैं चंद्र से और चंद्रदेव शनि से पीछे हैं, और 5 डिग्री बाद ही शनि और चंद्र का योग होगा और चंद्रदेव शनि को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो जिस वक्त यहां, अब आपने एक चीज और समझनी है, थोड़ा सा रुक रहा हूं। ग्रहों का एक दिक्तांश होता है, जैसे सूर्य से कोई ग्रह अगर 15 डिग्री दूर है, यानी 14 डिग्री दूर है, 15 डिग्री के अंदर आ गया, तो सूर्य के दिक्तांश से उसका योग हो गया, यानी सूर्य से कम गति वाला ग्रह उसके पीछे है, तो सूर्य से 15 डिग्री के अंदर में अगर आ गया है तो इसको इत्थसाल योग कहा जा सकता है, यानी दिप्तांशों के भीतर आ गया है। और बुध से 7 डिग्री, चंद्रमा से 12 डिग्री कोई ग्रह दूर है, मंगल से 8 डिग्री ग्रह कोई दूर है, बुध से 7 डिग्री, गुरु 9 डिग्री, शुक्र 7 डिग्री, शनि 9 डिग्री। ये जो डिग्रियां हैं एक्चुअली किसी भी ग्रह का, मान लीजिए शुक्र का गुरु से इत्थसाल होने वाला है, तो गुरु की 9 डिग्री के अंदर अगर शुक्र आ रहा है, यहाँ शुक्र की 7 डिग्री वैलिड नहीं, गुरु की 9 डिग्री ज्यादा वैलिड होगी कि 9 डिग्री के दिक्तांश में अगर आ गया है तो वो इत्थसाल योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र गुरु को क्रॉस करके जाएगा। और जब शुक्र और गुरु एकदम सेम डिग्री पे लगभग होंगे जिस दिन, उस दिन घटना घट जाएगी। ये विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी हर मामले में आपको ये रूल फॉलो करना होगा। इत्थसाल योग तो इसे कहते ही हैं, बहुत से ग्रंथों में इसे मुत्थसिल योग भी कहा गया है, हालांकि मुत्थसिल नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, तो आप इत्थसाल योग को ही समझें, आपके लिए बेहतर रहेगा और इसे ही याद रखें आप। अच्छा, इत्थसाल योग होते ही सफलता मिल जाएगी ऐसा भी नहीं है, बहुधा ये भी देखना होता है कि इत्थसाल योग जो बन रहा है वो नीच राशियों में बन रहा है, 6-8-12 में बन रहा है, तो उस अच्छे फल में कमी का द्योतक बन जाता है। कारकेश यानी कारक जिस भाव से संबंध है, कार्येश जिस भाव से संबंधी प्रश्न है, उस भाव का लॉर्ड कार्येश और जिस कारक से संबंधी प्रश्न है उन दोनों का आपसी इत्थसाल भी बहुत मायने रखता है। जैसे गुरु संतान का कारक है और पंचमेश का गुरु के साथ इत्थसाल योग बन रहा है और संतान संबंधी अगर प्रश्न है तो आप कह सकते हैं कि ये आपस में जब इत्थसाल योग बनेगा तो कंसीव होगा या संतान होने का योग बनेगा, इस तरह की भविष्यवाणी निचोड़ के सामने आती है।
मतलब रूल्स जो है आपने समझने हैं और उसको विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करना है। ये वीडियोस जो है आपको ज्योतिष से संबंधी डेप्थ देंगे, आपको आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपको इस्तेमाल करने की नौबत आए चाहे ना आए, जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप समझिए कि इत्तेसाल योग में तीन पार्ट है। पहला इत्तेसाल योग जो बनता है वो वर्तमान में जो कर्म होने वाला है उसको लेकर बनता है। मान लीजिए तेज गति से चलने वाला ग्रह पीछे हो और मंद गति से चलने वाला ग्रह तेज गति के ग्रह से सामने हो, तो ये वर्तमान इत्तेसाल कहलाता है। यानी आपस में जो बनेगा तो आपके प्रश्न में सफलता, आपके प्रश्न के उत्तर में सफलता छुपी होगी। और दूसरे प्रकार का इत्तेसाल योग जो होता है वो मान लीजिए गुरु और शनि में इत्तेसाल योग होने वाला है, तो निश्चित तौर पे ये गुरु शनि से तेज गति से चलने वाला ग्रह है और शनि जो है मंद गति है गुरु से ज्यादा। तो गुरु से शनि का जब इत्तेसाल होगा तो ये भविष्य में घटने वाली घटना का इंडिकेशन होगा। यानी हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि बृहस्पति और चंद्रमा ही इत्तेसाल बनाएगा सभी ग्रहों से, आपस में दूसरे ग्रहों का भी इत्तेसाल योग हो सकता है। हो सकता है कार्येश कार्केश जो भी है गुरु शनि बन जाए, तो इनका इत्तेसाल योग आप समझ सकते हैं 8-9 महीनों में 10 महीनों में भी हो सकता है। तो समय लगता है, तो ये भविष्य का फलादेश के लिए आप इंडिकेशन कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के मामले में ये स्थिति बन सकती है कि कब संतान होगी, तो 7 महीने बाद इत्तेसाल योग बनने वाला हो, 6 महीने बाद बनने वाला हो, तो आप उस डेट को या 1-2 दिन आगे पीछे उस जगह को आप कैच कर सकते हैं कि यहाँ इस वक्त ये संतान होने का योग बनता है। प्रश्न के वक्त बहुधा ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ज्योतिष को आजमाने के लिए भी कई बार, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए शनि 15 डिग्री का और चंद्रमा भी 15 डिग्री को जरा सा क्रॉस कर गया है, तो आप जातक को कह सकते हैं आप जिस चीज से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं वो काम आपका हो चुका है, यानी काम हो चुका है, अब उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, मतलब घटना घट चुकी है आप ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है जातक को मालूम ना हो, वो घर पे फोन लगाए या पूछे किसी से और उसे पता चले कि हाँ ये काम तो मेरा बन गया, मैं देर से आया ज्योतिष के पास पूछने के लिए। इसको हम भूतकालीन इत्तेसाल कहते हैं, यानी जो घटना बीत गई है। तो ये एक्चुअली इत्तेसाल योग की व्याख्या थी, और आपको इसमें ये भी देखना और जोड़ना है कि इत्तेसाल योग बनने के बावजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि उस इत्तेसाल योग पे अगर पड़ रही है तो आप प्रश्नों के उत्तर में सफलता का योग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अशुभ ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि, 6-8-12 के लॉर्ड की दृष्टि अगर पड़ती है तो उनके फलों पे धक्का लगता है। आपको सुनने में लगेगा कि ये थोड़ा घचपच वाली बात हो गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है। प्रश्न कुंडली में हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव ही नहीं आता है, आपको बहुत दिल पे पत्थर रख के, मन पे पत्थर रख के जातक को बोलना पड़ता है कि अभी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। प्रश्न कुंडली के प्रश्न के दौरान या इस तरह के प्रश्नों के दौरान मैंने अपना अनुभव किया है कि जातक सोचता है कि मैंने जो पूछा है उसका उत्तर मुझे पॉजिटिव ही आएगा, ये एक माइंडसेट है लोगों का, लेकिन एक्चुअली 90 times इसके आंसर नेगेटिव आते हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये सत्य है कि 90 times आंसर जो है नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आंसर नहीं आता है। क्योंकि बात वही हो गई कि कोई अगर पूछता है कि मुझे लोन कब मिलेगा, तो हर व्यक्ति को लोन मिल नहीं जाता है। अगर उसकी जन्म कुंडली में लोन मिलने का योग नहीं बन रहा है तो लाख कोशिशें करे उसका अंतिम समय में आगे कहीं ना कहीं अड़चन हो जाती है। तो इस तरह की बातें होती हैं। विवाह संबंधी मामलों में भी बहुधा पॉजिटिव आंसर का परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर विवाह का योग नहीं बन रहा है तो वो 10 बार भी अगर ज्योतिष के पास चला जाता है तो उसको आंसर नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूं विवाह संबंधी प्रश्न 1 साल में सिर्फ 1 बार पूछना चाहिए। किसी भी प्रश्न कुंडली का प्रश्न
एक साल में दोबारा नहीं पूछना चाहिए। पूछ सकते हैं लेकिन आंसर फिर ले देके वही नेगेटिव आ जाएगा। विवाह संबंधी प्रश्न है तो गुरु का राशि परिवर्तन एक बार हो लेने देना चाहिए, ये मेरा अपना ऐसा मानना है। बाकी प्रैक्टिस से आपको और फाइन ट्यून होती रहेगी। ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा कि इत्थसाल योग पे कोई किताब अगर मिलती है आपको तो उसे आप खरीद लीजिए, पढ़िए। प्रश्न कुंडली के संबंधी अगर कोई बुक अगर आपको मिलती है तो, क्योंकि यहाँ इससे ज्यादा लिखित में देना मुश्किल हो जाता है। और मैं बेसिकली ज्यादा उलझाने वाली बात आपको नहीं कर रहा। मेरा टारगेट है कि सीधे और सरल तरीके से आप चीजों को समझ लें, ठीक है ना। तो ये वो बहुचर्चित इत्थसाल योग है जो प्रश्न कुंडली में आता है, इसका उल्लेख बार बार। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड लगने लगेगा, क्योंकि अब मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए, प्रश्न कुंडली खोले और प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा, इस तरह से संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस तरह देखना है और उसका क्या उत्तर हो सकता है उस पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। ये वीडियोस जो हैं आपको राह दिखाने में कामयाब होंगे, दिशा निर्देश दिखाने में कामयाब होंगे। और एक बात पुनश्च मैं कहूंगा कि ये जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो में डालूंगा, इसके बाद से डालता रहूंगा जो भी, ये सारे वीडियोस जो है कॉमन क्रिएटिव वीडियो के तौर पे डालूंगा। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इस रूल को, कोई भी अपना नाम लगा के इस्तेमाल कर सकता है, वीडियोस डाउनलोड करके उसमें कुछ फिर करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकता है। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम किसी के पास भी नहीं जाएगा। ज्ञान का प्रसार इस तरह से भी हो तो बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। ज्योतिष पे हमारा किसी का भी कोई कॉपीराइट नामक कोई चीज नहीं है। ये ज्ञान बिखरा पड़ा है, हमने उसे समेटा है, समेट के हम आप तक ला रहे हैं और आप लोग भी इसे आगे बढ़ाइए। हाँ, निश्चित तौर पे अपना प्रोफेशनल साइड भी देखिए। प्रोफेशनली कंसल्टेंसी जब आप करते हैं तो भाई प्रोफेशनली आप अपनी फीस ले सकते हैं, जैसे कि मैं बिना फीस के कंसल्टेंसी नहीं करता। जो मित्र मुझे मेल करते हैं कंसल्टेंसी की रिक्वेस्ट के लिए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी फीस देकर आप कंसल्ट मुझसे कीजिए। ये मेरा पेशा है, मेरा परिवार इसी की दाल रोटी खाता है और मेरा पूर्ण पेशा है, यानी ऑल टाइम प्रोफेशन है ये मेरा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं नौकरी करता हूँ साइड में ज्योतिष का बिजनेस किया हुआ, ऐसा नहीं। मेरा पूर्ण रूप से ज्योतिष ही पेशा है और इसी के प्रति मैं समर्पित हूँ और इसी से मुझे भी दाल रोटी चलानी है। और मैं अपनी कंसल्टेंसी के समय की फीस लेता हूँ, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ज्योतिष सिखाने की या ज्योतिष दान करने की फीस मैं नहीं लेता, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रश्न कुंडली की चल रही सीरीज के साथ ही बहुत जल्द मैं आपको न्यूमरोलॉजी पर भी एक सीरीज देने वाला हूँ, इंतजार कीजिए। काफी तफसील से मैं न्यूमरोलॉजी की सीरीज आपको दूंगा कि आपका जन्म तारीख के साथ कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा नंबर अनफेवरेबल है, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सब मैं आपको डिटेल्स उठा के यहाँ दूंगा। आप देखिएगा और अपने बारे में खुद भी तय कर सकेंगे कि किसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। थैंक यू। Thank you.